डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लिए क्वेश्चंस। इन द एडजॉइनिंग फिगर अ वेज इज फिक्स्ड टू एन एलिवेटर मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ओवर द वेज। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज। नेगलेक्ट द फ्रिक्शन। ठीक, चार चॉइस रखें। तो देखो, विद रेस्पेक्ट टू, मान लो इसमें एक्जिलरेशन है आपका ए वन, यही हमसे पूछ रहा है। लेकिन ये एक्जिलरेशन ऑफ ब्लॉक है, एक्जिलरेशन ऑफ ब्लॉक है विद रेस्पेक्ट टू वेज, और हम इसको यहीं से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस जगह पे हम बैठ गए और इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखो, इस पे रियल फोर्स कौन से लगेंगे? अगर हम लिखें यहाँ पर तो क्या लिखें, तो हम यह लिख लें फॉर फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट मींस वेज। इसमें FBD बना लें हम ब्लॉक की विद रेस्पेक्ट टू वेज। तो इसमें आपके रियल फोर्स लग रहे हैं, एक तो MG और एक नॉर्मल एक्शन, प्लस सूडो फोर्स लगेगा M इंटू ए। है ना? तो देखो, इसमें लगा दें हम, पहले तो रियल फोर्स लगा दें MG, और रियल फोर्स लगा दें N, सूडो फोर्स तो लगेगा। सूडो फोर्स हमेशा जो लगता है इसमें, हमेशा ये फ्रेम का लेते हैं, और एक्सेलरेशन फ्रेम का लेंगे A, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट मींस ऐसे MA, या MA सूडो फोर्स है। इसकी जो दर्शन होती है वो इस एक्सेलरेशन के अपोजिट होती है। ठीक, और सूडो फोर्स की दर्शन और इस एक्सेलरेशन की दर्शन अपोजिट। ठीक, बस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो MA के और MG के कंपोनेंट कर लें। तो अगर हम कंपोनेंट करें, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, और एक इधर की तरफ ऐसे, तो ये एंगल थीटा आएगा, और ये आएगा MA cos थीटा, और ये आएगा MG cos थीटा। वैसे ये वाला कंपोनेंट आएगा MG sin थीटा और MA sin थीटा, ये और ये कंपोनेंट। ठीक, और नेट फोर्स निकाल लो। तो देखो, N तो बैलेंस कर लिया, MA cos थीटा प्लस MG cos थीटा ऐसे, एंड नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, तो वो लिखें MA sin थीटा प्लस MG sin थीटा, और नेट फोर्स लिखें तो मास इंटू एक्सेलरेशन MA1, M कॉमन ले लें, और यहाँ से M sin थीटा कॉमन ले लें, तो A प्लस G, और M से M कट गया, तो A1 इज इक्वल टू sin थीटा A प्लस C। ये देखो, चलिए चॉइस हो गई फर्स्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, इसकी फर्स्ट चॉइस हो गई।